Hello students, today we are going to learn how to find out the square root of rational numbers. हमारे पास अगर एक रैशनल नंबर x अपॉन y और इसका रूट फाइंड करना है तो ये न्यूमरेटर x का रूट अलग फाइंड करेंगे और y का रूट अलग फाइंड करेंगे. ये हो जाएगा इस रैशनल नंबर का स्क्वायर रूट. फॉर एग्जाम्पल रैशनल नंबर है 25 अपॉन 49. इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. स्क्वायर रूट ऑफ 25/49 इसको लिख सकते हैं. न्यूमरेटर में 25 है, 25 का अलग स्क्वायर रूट, और डिनोमिनेटर में 49 है, 49 का अलग स्क्वायर रूट. तो 25 का रूट करेंगे कितना आएगा, 5, और 49 का 7, बिकॉज 7 × 7 इज इक्वल टू 49, और 5 × 5 इज इक्वल टू 25. सेकेंड एग्जाम्पल 4761 अपॉन 6724 एक रैशनल नंबर है जिसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. इसको लिख सकते हैं, न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट लिख सकते हैं 4761 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 6724. इसका अलग फाइंड करेंगे और इसका अलग फाइंड करके लिख देंगे. तो पहले 4761 का फाइंड आउट करते हैं लॉन्ग डिविजन मेथड से. दो का पेयर बना, अब ये 6 6 36 सिक्स टाइम्स में जाएगा. अब ये दोनों उतरेगा, अब ये कितनी बार में जाएगा, 9 टाइम्स. 9 9 जा 81 कैरी 8, 9 2 जा 18 और 8 26 का 6 कैरी 2, 9 1 जा 9 और 2 11, 69 हो गया आंसर. तो रूट ओवर 4761 इज इक्वल टू 69. अब इसका निकालेंगे 6724 का. 6724 ये कितनी बार में जाएगा, 8 8 जा 64 8 टाइम्स, 8 8 जा 64 3 24 उतर जाएगा. अब ये 2 टाइम्स में जाएगा, 2 2 2 जा 4 2 6 जा 12 2 कैरी 1 2 1 जा 2 1 3 इसका आया 82. मतलब रूट ओवर 6724 इज इक्वल टू 82. पुट कर दो 69 अपॉन 82, ये हो गया आंसर. नेक्स्ट टॉपिक इज स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. दो नंबर है एक्स वाई, इसका रूट ओवर निकालना है स्क्वायर रूट. तो एक्स का अलग रूट निकालेंगे मल्टीप्लाई वाई का अलग रूट निकाल लेंगे, सेम यही आंसर हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल 24 × 25 × 36 इसका रूट निकालना है. तो 25 का अलग निकालेंगे रूट ओवर 25, मल्टीप्लाई कर देंगे 36, रूट ओवर 36. 25 का रूट आएगा 5 और 36 का 6, 5 6 30, ये हो जाएगा आंसर. नेक्स्ट एग्जांपल दो नंबर है 81 और 49, दोनों का प्रोडक्ट है और इसका स्क्वायर रूट निकालना है. तो अलग अलग निकाल लेंगे, रूट ओवर 81 कर लेंगे और मल्टीप्लाइड बाय रूट ओवर 49. 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 9, और 49 का 7. 7 9 जा 63 आंसर. नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ होल नंबर्स विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स अप टू 2 डेसिमल प्लेस. मतलब कोई भी होल नंबर जो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसका भी स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना, और उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो वो पॉइंट में आएगा, और पॉइंट में आएगा कितने पॉइंट तक निकालना है, 2 डेसिमल प्लेसेस, मतलब पॉइंट के बाद 2 नंबर तक निकाल के छोड़ देना है. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं 4197 जो कि एक होल नंबर है और ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है.
तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो आंसर आएगा पॉइंट में। और पॉइंट में कितने पॉइंट तक निकालेंगे? सिर्फ 2 पॉइंट तक। वैसे तो ये आता जाएगा, बहुत सारे पॉइंट के बाद भी आता जाएगा, लेकिन पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 पॉइंट तक पूछा है तो 2 पॉइंट तक निकालेंगे। इसको निकालने के लिए लॉन्ग डिविजन मेथड का यूज़ करेंगे। दो दो का पेयर बनता है, पहले ये जाएगा 6 टाइम्स, 6 6 36, 11 माइनस 6 5, 6 यहाँ उतरेगा 12। अभी दोनों नंबर यहाँ उतरेंगे, अभी कितनी बार में जाएगा? 4 टाइम्स में, देखिए 4 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 2 जा 8 1 9, 4 1 जा 4 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1, 9 माइनस 9 0, 5 माइनस 4 1, और ये 4 यहाँ पे फिर ऐड हो जाएगा 128। अब यहाँ से नीचे लाने के लिए कोई भी नंबर नहीं है, तब यहाँ पे लगता है पॉइंट और इधर लगता है 2 0। अब फिर वही मेथड लगाएंगे, ये कितने टाइम्स में लेके जाएंगे यहाँ से? तो ये जाएगा 7 टाइम्स, 7 7 जा 49, 4 कैरी 4, 7 8 जा 56 और 4 60 का 0 कैरी 6, 7 2 जा 14 और 6 20 का 0 कैरी 2, 7 7 और 2 9, 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1, 9 माइनस 0 इज इक्वल टू 9, 0 माइनस 0 0, 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1, 7 इधर ऐड हो जाएगा, 7 7 14, 8 1 9, 2 1, अगेन 2 0 आ जाएगा। और अब फिर से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये जाएगा 8 टाइम्स में, 8 8 जा 64 कैरी 6, 8 4 जा 32 और 6 38 का 8 कैरी 3, 8 9 जा 72 और 3 75 का 5 कैरी 7, 8 2 जा 16, 16 और 7 23 3 कैरी 2, 8 1 जा 8 और 2 10, 10 माइनस 4 6, 9 माइनस 8 1, 10 माइनस 5 5, 8 माइनस 3 5। अभी 2 डेसिमल प्लेस तक बोला था, 2 डेसिमल प्लेस हमको मिल चुके हैं, पॉइंट के बाद 2 नंबर मिल चुका है, तो यहीं पे स्टॉप कर देंगे, इसके आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। इसका आंसर क्या हो गया? 64.78, मीन्स रूट ओवर 4197 इज इक्वल टू 64.78। नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर्स। यहाँ डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल 148.84, ये एक डेसिमल नंबर है और इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाएंगे, 148.84। अब डेसिमल नंबर्स में पेयरिंग करने का क्या तरीका है? ये पॉइंट के राइट साइड में है, इधर से पेयर बनाते हैं दो दो का, और पॉइंट के लेफ्ट साइड में इधर से पेयर बनाते हैं। अभी देखिए, 4 और 8 का एक पेयर बन गया, लेकिन 1 अकेला रह गया, तो यहाँ 0 लगा देंगे अपने से, और ये 2 पेयर बन गया। अब स्टार्ट करेंगे इस पहले पेयर से, फिर इसके बाद दूसरा पेयर, फिर ये तीसरा पेयर। 1 का 1 टाइम्स में जाएगा, 1 1 जा 1 1 1 माइनस 1, इधर 1 प्लस हो जाएगा 2, ये दोनों उतरेगा, ये दूसरा पेयर है, ये दूसरा पेयर था, ये तीसरा पेयर, ये 4 8 उतरेगा, 2 2 टाइम्स में लेके जाएंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4, इधर 2 ऐड हो जाएगा, पॉइंट जो है यहाँ उतरने के बजाय यहाँ आ जाता है, और पॉइंट के बाद जो नंबर है वो इधर उतर जाता है। अब इसको ले के जाएंगे, 2 टाइम्स में जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, कैंसिल आउट हो गया,
क्या है हमारे पास आंसर? 12.2, यानी रूट ओवर 148.84 इज इक्वल टू 12.2। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल है 141.61। ये भी एक डेसिमल नंबर है और इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। 141.61 लॉन्ग डिवीजन मेथड। पेयरिंग करेंगे कैसे? ये पॉइंट के राइट साइड में राइट साइड से पेयर बनाएंगे, और पॉइंट के लेफ्ट साइड से पेयर बनाते हैं। ये दो का पेयर बना, ये वन बच गया तो जीरो लगा दिया और ये पेयर बन गया। ठीक, तो दो का पेयर हो गया। अब इस पहले पेयर से स्टार्ट करते हैं, वन है तो वन वन जा वन। अब ये 4 1 आ गया नीचे, ये जाएगा 1 टाइम्स, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 4 माइनस 2 2। ये पॉइंट बचा, पॉइंट यहाँ उतरने के बजाय यहाँ उतर यहाँ लग जाता है, और इसके बाद वाला दोनों नंबर नीचे आ जाएगा। अभी जाएगा 9 टाइम्स, 9 9 जा 81 कैरी 8, 9 2 जा 18 और 8 26 का 6 कैरी 2, 9 2 जा 18 और 2 20। 11.9 इज द आंसर। इट मीन्स द रूट ओवर ऑफ 141.61 इज इक्वल टू 11.9।